हे दोस्त, आप सभी को इस वीडियो में मैं अमेरिका से जुड़ी बातें बताऊंगा कि आप भी अमेरिका कम पैसे में यूएसए का वीजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितने दिनों का मिलेगा, कहां से अप्लाई होगा, कैसे ये काम होगा। जनरली अभी चल रहा है, ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है और इसके पहले भी आदमी गए हैं और किस प्रकार से जा सकते हैं आप भी, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप 8 क्लास भी पास हैं तो भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और आप कैसे काम वहाँ पे लेंगे, करेंगे, जाएंगे, सब कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए का वीज़ा आप कितने दिनों तक का निकाल सकते हैं। तो आप कम से कम B1, B2 यानी कि 10 साल का वीज़ा भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 10 साल का वीज़ा निकाल सकते हैं और 10 साल के अंदर कभी भी आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घूमने के पर्पस से भी हैं, कुछ दिन रहने का और कुछ दिन ये है, मैं आपको वर्क से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि बहुत भाई ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा को लेकर के कुछ वर्क के सिलसिले से अमेरिका, यूरोप में या गल्फ कंट्री में जाते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको यूएसए का वीजा के पर्पस से बताऊंगा कि कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, आप इसको लेकर के किस प्रकार से फायदे उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत पहले से लॉन्च है लेकिन अभी आप भी लाभ उठा सकते हैं। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो हो सकता है कि मेरे वीडियो से आपको जानकारी हो। आप चाहे अपने नियर बाई किसी से भी अप्लाई करा सकते हैं, नहीं तो इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई करके सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहा है और लोग जा रहे हैं, उसी के बारे में आप बताना कि कैसे ये हो रहा है, कैसे जा रहे हैं, कैसे आप भी जा सकते हैं, कैसे आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बहुत भाई तो ऐसे हैं कि सोच ही नहीं सकते कभी कि मैं अमेरिका जा सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे अमेरिका जा सकते हैं, कैसे अपनी जॉब को फेंडिफाई कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं किसी अन्य कंट्री में, कौन कौन सी कंट्री जा सकते हो बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि ये वीजा लेकर अमेरिका से आप कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, जो आप ढूंढ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन लोग कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखिए दोस्त, इसमें बहुत सारे चाहिए होता है, लेकिन जनरली जो आपके पास है, ठीक है, वो तो है, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स जितने लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं। इसमें सबसे पहले जो लगना है वो दोस्तों पासपोर्ट कॉपी लगने हैं, ओल्ड और न्यू, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट एक आपका पासपोर्ट पुराना है वो भी आपको लगेगा और एक नया जो बना है वो भी लगेगा, ठीक है। अगर आपका 2 पासपोर्ट बना है तो दोनों ही आप लेकर के जाएंगे। उसके पास इसमें आधार कार्ड लगेगा, उसके पास पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो क्या होता है आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। उसके पास इम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, इम्प्लॉयमेंट लेटर भी मिल जाता है, जनरली बनवाना पड़ता है, ठीक है। एक होता है प्लेस लिस्ट, ठीक है, ये 6 मंथ लेटेस्ट, जैसे कि मान के चलिए किसी प्लेस पे आप रहते हैं, अगर आप यानी कि अभी अभी रिसेंटली में गए हैं तो वो नहीं लगेगा, कम से कम वहाँ पे 1 साल से 6 मंथ से ज्यादा दिन से रहते हो, 6 मंथ मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम 1 साल मान के चलिए कि 1 साल से जहाँ पे रहते हैं वहाँ का प्लेस लिस्ट लगेगा, लेटेस्ट का अभी जहाँ रहते हैं वहाँ का, लेकिन वो भी थोड़ा पुराना हो। उसके बाद से IT रिटर्न 3 ईयर्स लेटेस्ट का होना चाहिए। IT रिटर्न क्या होते हैं, कैसे ये बनेगा, ये सब गूगल में कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश टाइपिंग, आपके पास कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, घर का, जमीन का, और कौन कौन से प्रॉपर्टी आपने रखा हुआ है, बैंक में कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी जमीन खरीदे हैं वो उसका, ठीक है, मोटा मोटा गहने रखे हैं, पैसे रखे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, मोटा रकम, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का जो प्रॉपर्टी होता है उसका एक टाइपिंग करके लेटर निकाल करके उसके लिए एक PDF बना करके या स्कैन करके दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो है प्रीव्यू वीजा कॉपीज विद स्टाम्प। आप कहीं पे गए हुए हैं, ठीक है, आपका वीजा स्टाम्प है, ये जरूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
वीजा स्टाम्प है उसको स्कैन करके पीडीएफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से बैंक स्टेटमेंट सिक्स मंथ लेटेस्ट, जैसे सिक्स मंथ पहले का ट्रांजेक्शन किया हुआ जो आपके पास खाते हैं, यानी कि आपके पास बैंक बैंक खाता है उसमें सिक्स मंथ से ट्रांजेक्शन होता हो, उस खाते को लगेगा। उस खाते में कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। उस खाते में कम से कम 5 लाख रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको लगेगा। तो मैंने आपको 10 चीजें बता दी, पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फैमिली आधार कार्ड और एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्लेलिस्ट सिक्स मंथ का, आईटी रिटर्न, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, प्रीव्यू वीजा कॉपीज विथ स्टाम्पिंग का, कहीं गए हुए हैं तो, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जो कि फाइल। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपसे बात करूं तो इसके किस प्रकार से अप्लाई करके और लास्ट तक क्या, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप 10th पास किए हैं या बहुत पढ़ाई किए हैं, डिग्री डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, या ITI किए हैं, तभी कोई भी जा सकते हैं, बशर्ते आपको जाने और आने तक का बैलेंस उनको दिखाना होगा, ठीक है, किस पर्पज से जा रहे हैं वो चीज बताना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग जो भी भाई जाने वाले हों, अगर आप कॉल करते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो आपको मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। लेकिन जाने के लिए अगर कोई भी भाई ऐसे हों जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, एम्बेसी को फाइंड कर सकते हैं, इंटरव्यू अपना पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी चीजें हैं, प्रॉपर्टी दिखाना, बाकी आप किस पर्पज से जा रहे हैं, कब तक वापिस आना, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बहुत जल्द और बहुत नॉर्मल तरीके से, अभी रिसेंटली में मैंने 3 लोगों को अप्लाई, और उसके बाद रिसेंटली में मैंने 1 लोगों को मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये पूरा इस पे एक्सपीरियंस है, इसलिए कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं ऑलरेडी लोगों को मूव कर चुका हूँ, यानी कि वो लोग चले गए हैं ऑलरेडी। USA के लिए कुछ लोग बाकी हैं, तो वो लोग स्टाम्पिंग उनका अभी चल रहा है, यानी कि अपॉइंटमेंट, और तो जल्द ही उन लोगों का भी अनुभव जो भी होगा वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि 10 ईयर्स का वीजा का लाभ आप भी उठा सकते हैं, और अमेरिका जैसे देश में जाकर कोई, अगर आपका कोई साथी है, कोई फ्रेंड्स है, कोई दोस्त है, या आप खुद से भी जॉब ढूंढ सकते हैं, या अमेरिका जा करके किसी अन्य देशों में भी, जैसे संजन कंट्री जो भी यूरोपियन देश है, ठीक है, वहां पे आप जा करके भी यही वीजा दिखाकर वहां का भी वीजा निकलवा सकते हैं, वहां पर भी घूम सकते हैं, देख सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ आपके पास अमाउंट होने चाहिए, रहने के लिए होटल्स बुकिंग, या फिर लॉज, या फिर जिस माध्यम से भी आप रह सके, खाना खा सके, घूम सके, जॉब, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही जॉब फाइंड करने के ही माध्यम से जाते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये सब चीजें गाइड ऑलरेडी कर दिया जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए टूरिस्ट वीजा में, अमेरिका USA का वीजा के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपको समझदारी होगा, अच्छा लगेगा, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अपना दावा ये रहता है कहीं से भी हो जाए आपको जानकारियां मिल जाए और आपका काम। तो इस विषय में मैं बात इसलिए किया कि वर्क परमिट पे काफी भाइयों का पैसा अधिक लगता है और टाइम ज्यादा लगते हैं, 7 से 8 महीने, तो इसके लिए काफी मुश्किलें होती हैं। तो अगर आप भी किसी के द्वारा जा करके वहां पे कुछ सेटल बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे 100% होगा। और आपका भी वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।